हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जेपी सर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम परसेंटेज कर रहे हैं, जिसके दो पार्ट हम पहले ही पूरे कर चुके हैं। आज है हमारा परसेंटेज का पार्ट 3। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, क्या है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, वेतन में परिवर्तन कितने प्रतिशत हुआ। तो दोस्तों, इनको ये जो टाइप है अपना, इनको हम बोल सकते हैं बढ़ोतरी या घटोतरी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी है। जैसे हमारे को दिया हुआ कोई भी व्यक्ति है, उसका वेतन मान लेते हैं, उसका जो वेतन है मान लेते हैं वो है 100 रुपये। वेतन कितना है 100 रुपये। क्या बोलता है, पहले 20% की वृद्धि की गई, पहले इस वेतन में 20% की क्या की गई, वृद्धि की गई। अगर 100 का हम 20% निकालेंगे तो आएगा 20, तो प्लस मतलब 20 की वृद्धि हुई तो वेतन हुआ इसका कितना, 120 रुपये। वेतन हुआ 120। आगे क्या बोलते हैं, फिर उसमें 20% की कमी की गई, फिर जो है वेतन हो गया था 120, फिर इसमें किया गया 20% की कमी, कमी जो है वो की गई 20% की। अगर हम 120 का 20% निकालेंगे तो 12 × 24, क्योंकि 2 जीरो हमारी प्रतिशत से करनी होती है, तो मतलब जो कमी है वो कितने की हुई, 24 की। अगर 24 की कमी होती है तो वेतन पहले 120 था, 24 की कमी करेंगे तो वेतन आएगा कितना, 96 रुपये बचेगा। 120 का अगर 20% निकालेंगे दोस्तों, 120 गुणा में 20 बटे में क्या आएगा, 100, तो कितना आता, 12 × 24, तो हमने यहाँ पे 24 ही किया है। तो दोस्तों, अभी जो वेतन है वो है उस व्यक्ति का 96 रुपये और पहले था 100 रुपये। तो वेतन में जो परिवर्तन हुआ है वो कितने का हुआ है, 4 का हुआ है। हमारे से पूछा हुआ वेतन में परिवर्तन कितने प्रतिशत हुआ, हमने पहले ही 100 लिया हुआ है, तो परिवर्तन भी कितना होएगा, 4% का होएगा। 4% वेतन जो है वो कम हो जाएगा। अगर निकालना चाहें, पहले वेतन था 100 रुपये, अभी है 96, तो 4 रुपये कम हुआ, किसके ऊपर कम हुआ, 100 के ऊपर कम हुआ, बटे में करेंगे 100 × 100, तो प्रतिशत निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 4। तो 4% की वेतन में क्या हुई, कमी हुई। दोस्तों, कुछ लोग इसको एक फार्मूला रटवाते हैं, वो फार्मूला भी आपको बता देता हूं फार्मूले से कैसे करते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक फार्मूले से करते हैं। वो फार्मूला जो होता है हमारा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में एंडेड, ए बी अपॉन में एंडेड। यहाँ पे क्या है, वृद्धि या कमी होती है, ए और बी क्या होती है, या तो वृद्धि होता है या कमी होता है। तो पहले इसमें क्या हुआ है, 20% की वृद्धि हुई, तो प्लस 20 आएगा। फिर क्या है, बी में क्या दिया हुआ हमारे, फिर उसमें 20% की कमी हुई, तो प्लस 20 करेंगे और माइनस 20, क्योंकि कमी हुई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 20। और प्लस क्या है, इन दोनों की गुणा, ए बी की गुणा 20 × -20, हमने कमी को माइनस 20 से दर्शाया है और जो वृद्धि हुई है उसको प्लस 20 से, बटे में क्या है 100, बटे में करेंगे 100, तो ये जो हमारा यहाँ पे आएगा 20, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 20, और यहाँ पे आएगा प्लस की माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 400, 20 × 400 होता है, बटे में कितना होगा 100, तो 20 से तो हमारा 20 कटता, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, 2 जीरो से 2 जीरो कटती है तो हमारे पास बचेगा -4। इसका -4 का मतलब ये है कि वेतन जो है वो 4% कम हुआ है, वेतन जो है वो 4% कम हुआ है, यही होगा वेतन में परिवर्तन। तो दोस्तों, ये था अपना फार्मूला, जो मतलब ट्रिक मान सकते हैं आप, और जो फैसली हमने किया था वो था कॉन्सेप्ट, शायद आपने कॉन्सेप्ट से पहले किया होगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, अपना जो इसी टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करेगा, वेतन की जगह कुछ संख्या दे सकते हैं, जैसे क्या है, किसी संख्या में, यहां पे लिख सकते हैं किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें यहां पे कुछ और लिख देंगे, फिर उसमें 10% की कमी की गई, वेतन में परिवर्तन कितने प्रतिशत हुआ। वेतन की जगह हम यहां पे क्या लिख देंगे, संख्या, यहां पे क्या लिख देंगे, संख्या, संख्या में परिवर्तन कितने प्रतिशत हुआ। तो दोस्तों, क्या है, मान लेते हैं वो संख्या जो है, मान लेते हैं वो संख्या जो है पहले थी 100, पहले कितनी थी, पहले थी संख्या 100, पहले
किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई, संख्या थी 100, उसमें पहले क्या होती है 20% की वृद्धि होती है। अगर 100 का 20% निकालते हैं तो आता है हमारे पास +20, तो संख्या जो है वो हो जाएगी कितनी 120। फिर क्या बोलता है, फिर उसमें 10% की कमी की गई, 120 हो गई, फिर उसमें क्या है 10% की कमी की गई। अगर 120 का हम 10% निकालते हैं तो आएगा कितना 12, कितना आएगा 12, तो फिर 12 की क्या हुई कमी हुई, तो अगर 120 से हम 12 घटाते हैं तो हमारे बचता है कितना 108। तो अभी संख्या में परिवर्तन कितने प्रतिशत हुआ, संख्या में परिवर्तन कितने प्रतिशत हुआ, पहले जो संख्या थी वो थी 100, अभी है 108, तो संख्या में कुल परिवर्तन हुआ दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 8 का, किसके ऊपर हुआ 100 के ऊपर, इनटू में 100 तो कितना आएगा 8%। तो संख्या में परिवर्तन हुआ 8%, मतलब संख्या क्या है बढ़ गई। तो दोस्तों ये है अपना कॉन्सेप्ट, अगर हम इसको ट्रिक से करना चाहें तो क्या है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, क्या है ट्रिक जो क्या है हमारी ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100, ए की वैल्यू है +20, बी की वैल्यू है -10, और प्लस ए बी, ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है -10, इनटू में करेंगे -10 अपॉन में क्या है 100, तो यहाँ पे 20 -10 बचेगा 10, 20 दायां होता है हमारा कितना 20 दायां होता है 200, तो माइनस का हो जाएगा 200, क्योंकि प्लस की माइनस से गुणा करेंगे तो आएगा -200 बटे में कितना है 100, दो जीरो से दो जीरो कटता है तो 10 माइनस 2 आएगा कितना 8, इसका मतलब है प्लस का जो 8 आया है इसका मतलब जो है संख्या में 8% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इस टाइप का हम अपना लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया कोई भी, मतलब 10 पहले दे दिया 10% की वृद्धि हुई, कुछ भी दे, वेतन दे, संख्या दे, कुछ भी दे, और फिर बोलता है 15% की कमी हुई, कर्मचारियों की भी संख्या दे सकता है, वेतन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है दोस्तों, ठीक है, फिर 15% की कमी की गई, संख्या में परिवर्तन कितने प्रतिशत हुआ, तो मान लेते हैं संख्या हमने क्या माना था, संख्या जो है मान लेते हैं कितनी है अपनी 100, फिर जो है इसके अंदर क्या होता है 10% की वृद्धि, अगर 100 का हम 10% निकालेंगे तो आएगा हमारे पास कितना 110, 100 का अगर 10% निकालेंगे तो आएगा 10, तो संख्या जो है वो हो जाएगी 100 + 10 = 110। इसके बाद क्या बोलता है, उसमें 15% की कमी की गई, अगर 110 का हम 15% निकालेंगे, 110 का अगर हम 15% निकालेंगे तो कमी जो है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 0, 15 × 15 = 116, 165, मतलब 16.5, क्योंकि नीचे 10 है तो 16.5, कितने की कमी की गई 16.5 की कमी की गई। अगर हम 110 में से 16.5 घटाते हैं, 110 में से अगर 16 घटाएंगे तो बचेगा 94, और 0.5 और घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 93.5, तो संख्या जो है वो अभी हमारे पास बची कितनी 93.5। तो दोस्तों संख्या में कितने की कमी हुई, 6.5 की कमी, क्योंकि पहले थी 100, अभी कितनी है 93.5, तो कमी जो है वो ही 6.5 किसके ऊपर हुई 100 के ऊपर हुई, इनटू में 100, तो संख्या में कमी हुई 6.5%, यही हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। अगर आप इसको ट्रिक से करना चाहें तो वही ट्रिक है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, इससे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 20%, 25% तथा 30% की क्रमागत बढ़ोतरी होती है तो एकल समतुल्य प्रतिशत वृद्धि निकालें। तो दोस्तों क्रमागत मतलब क्या है कि लगातार उसमें क्या होती है वृद्धि होती है, संख्या में लगातार क्या है वृद्धि होती है, तो एक बार में वो कितना बढ़ा वो बताएं, टोटल मतलब जो कितनी वृद्धि हुई वो एक बार में ही आपको बतानी है। तो दोस्तों क्या है सेम मेथड रहेगा, मान लेते हैं अपनी जो संख्या है, अपनी जो संख्या है वो कितनी है 100 है, पहले इसके अंदर कितने की वृद्धि होती है 20% की, प्लस 20% 100 का अगर 20% निकालेंगे तो आएगा 20, तो संख्या जो है 20% की वृद्धि होने के बाद हो जाएगी कितनी 120। अभी क्या है 120 होने के बाद फिर कितनी वृद्धि होती है 25% की, तो अगर हम 120 का 25% निकालें तो 25 चौका 1/4 होता है, 1/4 = 12, तो 30, फिर वृद्धि होती है कितने की 30 की, 120 गुणा में 25 बटे में क्या करेंगे 100, 0 से 0 या 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 = 12 कितना आएगा हमारा 30 आएगा। तो
तो 120 थी, 30 और बढ़ जाएगी तो संख्या हो जाएगी कितनी, 150। संख्या कितनी हो जाएगी, 150। फिर जो है इसमें वृद्धि कितनी होती है, 30 की। अगर 30% की वृद्धि होती है तो 150 का अगर 30% निकालेंगे तो प्रतिशत इन दोनों जीरो को अपने साथ लेके चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा 15 और 3, 15 किया 45, वृद्धि हुई 45 की, संख्या थी 150, 150 और 45 हो जाएगा कितना, 195। तो हमारे से पूछा हुआ है एकल समतुल्य वृद्धि बताइए, तो संख्या पहले थी कितनी 100, अब कितनी है 195, तो वृद्धि कितने की हुई, 95 की, किसके ऊपर हुई, 100 के ऊपर, बटे में क्या करेंगे 100, इंटू में कर देंगे प्रतिशत के लिए 100। तो अगर यहाँ पे हमने 100 लिया हुआ है तो जो अपना डिफरेंस आएगा वही क्या होता, अपना प्रतिशत होता है। तो संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितने की हुई, 95% की। यही हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। अगर इसी क्वेश्चन की जगह हमारे को दे दे लगातार गढ़ोतरी, अभी क्या है लगातार बढ़त हुई है। अच्छा दूसरा इसको एक मेथड और से भी बताते हैं दोस्तों, क्या है, ए प्लस बी वाला, ए प्लस लगातार वृद्धि हो रही है तो अपना फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में क्या है, एंडेड। पहले वृद्धि कितने की हुई है, 20% की, फिर हुई है 30%, दो को ले रहा हूं, फिर हुई है 25, किसी दो को लेना है, फिर हुई है 25% की, फिर क्या है 20 और 25 दोनों प्लस के, 20 गुणा में 25 अपॉन में क्या जाएगा, एंडेड। इनके साथ प्रतिशत लगाओ चाहे मत लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ट्रिक का यूज करें। तो 20 और 25 होता है हमारा कितना, 45 प्लस में यह होगा 25 चौके 100, 4 5 20 और प्लस में हो जाएगा 5, 45 और 5 50, यह आया 50%, कितना आया 50%। हमारे पास एक और बचा हुआ है 30%, अभी क्या लेंगे, एक को है ए जो है वो 50% ले लेंगे, बी जो है वो क्या ले लेंगे 30%। अगर मैं 50% प्लस में 30% प्लस 50 गुणा में 30 करूंगा, 50 गुणा में 30 करूंगा बटे में 100 करूंगा तो आएगा हमारे पास 5 या 15, तो 50 प्लस 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 50 30 80 90 5 95, तो वृद्धि जो है वो 95% होगी। तो दोस्तों ये थी अपनी ट्रिक, और जो पहले किया वो था अपना कॉन्सेप्ट। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी टाइप का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे को क्या दे दे, कर्मागत बट्टा दे दे, क्या है 10% 15% तथा 20% कर्मागत बट्टे के समतुल्य एकल बट्टा, मतलब एक बार में कितना बट्टा लगा वो बताना हमारे को। तो क्या है, मान लेते हैं कोई भी चीज है हमारे पास एंड्रेड, मतलब एंड्रेड किलोग्राम है, कोई भी चीज कितना है एंड्रेड केजी है, ठीक है, क्वांटिटी मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर बट्टा लगेगा तो किलोग्राम पे ही लगता है ना, तो बट्टा लगाया है, मान लेते हैं कोई भी चीज है एंड्रेड, तो बट्टा मतलब उस चीज को घटा देना, ठीक है। तो पहला जो बट्टा है वो 10% का लगा, पहला जो बट्टा है वो 10% का लगा, अगर 100 का 10% निकालेंगे तो आएगा 10, तो अभी वो चीज हमारे पास बची कितनी, 90 ग्राम, कितनी बची 90 ग्राम या किलोग्राम जो भी आप मानना चाहें। इसके बाद दूसरा जो बट्टा है वो कितने का है, 15% का, अगर हम 90 का 15% निकालें तो 90 गुणा में 15 बटे में 100, यही करते हैं हम, जीरो से हमारा जीरो कटता है, 15 निमा होता है 135, तो एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ तो कितना आएगा 13.5, फिर जो बट्टा है वो हमारे पास लगा था 13.5 का, अगर 13.5 इस 90 से कम करेंगे, 90 से अगर 13 कम करते हैं तो बचता है हमारे पास 77 में से 0.5 और घटाएंगे तो बचेगा 76.5, कितना बचा हमारे पास जो संख्या जो वो बची वो कितनी है 76.5। फिर जो नेक्स्ट जो बट्टा है वो लगता है 20% का, नेक्स्ट जो बट्टा है वो लगता है 20% माइनस 20% और कम करना है, तो अगर मैं 76.5 का 20% निकालूं तो 1/5, 20% बराबर होता है 1/5, 20/100 करेंगे तो आएगा 1/5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 5 25, 1 और आएगा 5 3 15, 15.3, अभी जो है वो संख्या कितनी कम कर दी गई, 15.3 कम कर दी गई। अगर मैं 76.5 में से 15.3 माइनस करता हूं तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 6, तो वो जो संख्या है वो हमारे पास बची कितनी 61.2। संख्या या कोई भी चीज थी जो क्वांटिटी थी वो हमारे पास बची कितनी 61.2। अभी हमारे से पूछा हुआ है एकल समतुल्य बट्टा, तो क्या करेंगे, पहले वो चीज थी हमारे पास 100 ग्राम, अभी कितनी है 61.2, अभी है 61.2,
अगर हम इस 100 से 61.2 घटाते हैं, इस 100 से 61.2 घटाते हैं, एक जीरो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे 8 बचेगा, 9 में से एक गया 8 और 9 में से 6 गया 3, कितना बचेगा 38.8। तो वो चीज़ है वो हमारे पास जो इसके ऊपर जो बट्टा लगा हुआ है वो कितने का लगा, पहले थी 100 ग्राम, अभी है 61.2, तो हमारे पास बची कितनी भाई, हमारे पास जो बट्टा जो है वो कितने का लगा, 100 ग्राम चीज थी 61.2 बची, जो बट्टा है इसका मतलब 100 में से अगर 61.2 हमने घटाया तो बट्टा जो आया वो 38.8 जो बट्टा आया है, अगर प्रतिशत निकालेंगे तो बटे में 100 और गुणा में भी इसके क्या कर देंगे 100, 100 से हमारा 100 कटता है तो 38.8% का एकल संतुल्य बट्टा लगा। तो दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। दोस्तों आप ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी, डायरेक्ट जैसे क्या है, पहले मूल्य पहले हमारे को दिया हुआ नहीं था, अभी दिया हुआ है, मूल्य अभी कितना हमारे पास दिया हुआ है तो वो लिखेंगे 75 रुपये, मूल्य है 75 रुपये दिया हुआ है, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, पहले इसमें 20% की वृद्धि की गई, अगर 75 का 20% निकालें तो 20% होता है 1/5 और ये होता है 15/75, मतलब 15 की वृद्धि की गई, अगर हम 75 का 20% निकालेंगे तो आएगा हमारे पास कितना, 75 × 20/100, 25 100, 15/75, 15 पे कटा तो कितने की वृद्धि की गई, 15 की वृद्धि की गई, अगर इसमें 15 की वृद्धि की गई मूल्य में तो वस्तु का जो मूल्य है वो अभी हो गया 90 रुपये। आगे क्या बोलता है दोस्तों, तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, 90 रुपये हो गया था लेकिन फिर क्या कर दिया, 20% कम कर दिया, अगर 90 का 20% एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे है, साथ में क्या है, प्रतिशत दोनों को लेके चला जाएगा, बचेगा 9 और 2, 9 × 18, मतलब कमी की गई कितने की, 18 रुपये की, तो 90 रुपये था, 18 की कमी कर दी तो बचा हमारे पास कितना, बचेगा हमारे पास 90 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 72 रुपये। वस्तु का अभी पूछा हुआ है, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, वस्तु का वर्तमान मूल्य है 72 रुपये, कितना है 72 रुपये। अगर हमारे से यहीं से पूछ लेता कि भाई कितने प्रतिशत की कमी हुई, देखो अभी कितने की कमी हुई, अभी पहले था 75 रुपये, अभी है 72 रुपये, कितने की कमी हुई, 3 रुपये की कमी हुई, किसके ऊपर हुई, इसी 75 पे ही तो हुई ना, फर्स्ट में 75 था, 75 के ऊपर हुई, इंटू में क्या करेंगे 100, तो ये कटेगा 3 पे कटेगा, 25 × 75, 25 × 25, 25 × 100, तो जो कमी जो है, कमी जो है वो कितने की हुई, 4% की वस्तु के मूल्य में कमी हुई। आप प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, आप मूल्य भी, आपको कोई ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक संख्या में 20% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, मतलब कोई भी संख्या है उसमें दो बार वृद्धि की गई है, वो भी कितने की, 20% की, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वह प्रारंभिक संख्या बन जाए। दोस्तों जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे ये थोड़ा सा उससे उल्टा है, थोड़ा सा क्या है, उल्टा है। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या है हमारे पास, हमने वही लिया है 100, कुछ भी मान सकते हो आप, लेकिन 100 में क्या है, आसानी रहती है, संख्या है 100, इसके अंदर पहले जो है वो 20% की वृद्धि की गई है, अगर 100 का 20% निकालेंगे तो आएगा 20, तो संख्या जो है वो जाएगी हमारे पास कितनी, 120। फिर पुनः वृद्धि की गई, पुनः भी 20% की वृद्धि की गई, अगर मैं 120 का 20% निकालूं, 20% लेके चला जाएगा, बचेगा हमारे पास 24, 12 × 24, तो 120 + 24 हमारे पास हो जाएगा कितना, 144, तो संख्या कितनी हो गई, 144। अभी क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, बढ़ी हुई संख्या, बढ़ी हुई संख्या कौन सी है, 144, कौन सी है, 144, इस 144 के बारे में इस क्वेश्चन में बात की जा रही है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए। पहले तो बात करते हैं इसको कितना कम किया जाए, पहले थी 100, अभी कितनी है 144, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इसको कितना कम किया जाए, 44 कम किया जाए,
कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वह प्रारंभिक संख्या बन जाए, कितना कम किया जाए। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो आता है 44 का। इसका मतलब है इस संख्या को 44 कम किया जाएगा। किसके ऊपर कम किया जाएगा, किसके ऊपर बात कर रहा है, 144 पे बात कर रहा है, तो 144 पे कम किया जा रहा है। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। लेकिन पहले क्वेश्चन था हमारा इस साइड से बन रहा था, अभी हमारा पीछे से बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अभी इसको दोस्तों काट देना है जिससे कटता है। जैसे यहाँ पे 4 से काटेंगे तो आएगा 11, ये आएगा 4 3 12, 4 6 24, फिर है 4 9 36, ये आएगा 25 4 100। 25 की और इसके 11 के गुणा करेंगे तो 25 1 25 और 25 1 25 227, 275 बटे में 9। तो संख्या को कितना कम किया जाए, 275 बटे में 9% कम किया जाएगा, तो वो संख्या प्रारंभिक संख्या बन जाएगी। तो यही होगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। इसको काट के प्रतिशत पॉइंट में भी दिया हो सकता है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप कई मेथड से कर सकते हैं। कोई भी चीज संख्या जो है वो अपने आप में होती है 100%। मान लेते हैं वो संख्या कितनी है 100%, अगर उसका मैं 25% निकालूंगा, 100% का अगर मैं 25% निकालूंगा तो 25 बटे में 100, तो आएगा हमारे पास कितना, 25% ही आना है। तो क्या है, किसी संख्या के 25% किसी संख्या का 25% जो है वो 25% के ही बराबर होगा। तो क्या बोलता है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर, में से क्या है 25 घटाने पर शेष 25 बचता, शेष जो है बराबर जो है कितना बचता है 25 बचता है। तो 25% बराबर हो जाएगा कितना, 25 माइनस का 25 है यहाँ पे उस साइड में होगा प्लस का 25, तो 25% बराबर हो जाएगा 25 प्लस 25 50, 25% बराबर है 50 के, तो 1% बराबर होएगा 50 बटे में 25 के, और हमारे को निकालना है वो संख्या, तो वह संख्या क्या होगी। तो गुणा में क्या करेंगे हम, 100 गुणा में 100%, तो गुणा में 100, 25 चौके 100, 4 5 20, कितना आंसर आएगा, तो वो संख्या जो है वो 200 होगी। तो यही हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अगर ये सभी सेम चीजें यहाँ पे जैसे 25 है 30 है, एक्स प्रतिशत में से एक्स घटाने पर एक्स शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी, तो उसका जो आंसर है वो हमेशा ही 200 आएगा। लेकिन होना चाहिए शर्त ये है, घटाने की ही बात हो, उसका जो आंसर है वो हमेशा ही दोस्तों 200 आएगा। इसी टाइप को इसको आप और मेथड से भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं। एक्स मानेंगे जैसे हमारे पास संख्या है, कई मेथड है दोस्तों यहाँ पे, जैसे संख्या मान लिया हमने 100x, तो उसका 25% निकालेंगे तो 25 बटे में 100, तो संख्या कितनी आएगी हमारी 25x, मतलब इसका जो 25% है संख्या का कितना आएगा 25x, इसमें से माइनस 25 करेंगे तो बराबर कितना बचेगा 25, उस साइड में जाके हो जाएगा प्लस का 25, 25x बराबर है 50, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 50 बटे में 25 बराबर आएगा 2, और हमारे को निकालनी है 100x की वैल्यू, तो 100x की वैल्यू गुणा में क्या कर देंगे 100, तो होएगा 200। इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप दोस्तों फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 25% बराबर होता है 1/4, इसका मतलब है 4 पार्ट तो पूरे, ये तो पूरा का मतलब, ये तो संख्या है हमारी, क्या है ये संख्या है, और ये क्या है इसका एक हिस्सा है, एक इसका क्या है पार्ट है। एक पार्ट में से 25 घटाने पर, एक पार्ट में से 25 घटाने पर क्या प्राप्त होता है 25 प्राप्त होता है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, एक पार्ट में से 25 घटाने पर 25 प्राप्त होता है, तो एक पार्ट बराबर आएगा 25 प्लस 25 50, हमारे को निकालना है 4 पार्ट, तो 4 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 50 गुणा में 4 50 चौके 200, तो भी संख्या क्या आएगी हमारी 200 ही आएगी। सबसे बेस्ट ट्रिक है, अगर आपकी याददाश्त तेज है, सेम संख्या यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हो और घटाने की बात हो तो आंसर आएगा 200। जैसे देख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 शेष बचता है, पर 60 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी।
तो दोस्तों अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, किसी संख्या का अगर 100% संख्या अपने आप में होती है 100%, तो 100% का 60% निकालेंगे तो आएगा 60%। 60% माइनस 60 बराबर कितना मिलता है 60, ये उस साइड में जाके हो जाएगा प्लस का, तो 60% बराबर हो जाएगा किसके, 120 के। तो 1% बराबर होएगा 120 बटे में 60, और निकालना है 100% तो गुणा में क्या करेंगे 100, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 60 दूनी 120 तो कितना होगा, इस 2 को 100 से गुणा करेंगे तो संख्या जो है वो 200 आएगी, आंसर क्या आएगा 200। तो दोस्तों ये अगर सेम पैटर्न है तो आंसर हमेशा यही मिलना है। तो अपना 2-3 मेथड आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिए थे, आप उनसे भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या बन जाती है, तो वह संख्या बताइए। तो दोस्तों मैंने बता दिया, कोई भी चीज होती है वो अपने आप में होती है 100%, तो मान लेते हैं वो संख्या कितनी है 100%। अगर 100% का हम 20% करते हैं तो आएगा हमारे पास कितना, 20% ही निकल के आएगा। 20% को 20 में जोड़ने पर, 20% को 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब कितना प्राप्त हो जाती है वो संख्या कितनी 100%, संख्या कितनी है 100%। अभी क्या करेंगे, प्रतिशत को एक तरफ और जो नंबर है अकेला उसको एक तरफ कर लेंगे। अगर प्रतिशत को एक तरफ करते हैं, इसको उस साइड में लेके जाता हूं, तो क्या बचता हमारे पास 100% माइनस का हो जाएगा 20%, और बराबर में यहां पे बचेगा हमारे पास 20। दोनों बराबर हैं, किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है दोस्तों 80% जो है वो बराबर हो जाएगा 20 के, 80% बराबर 20 के है, तो 1% बराबर होएगा 20 बटे में, 1% बराबर होएगा 20 बटे में 80 के। हमारे को निकालना है तो संख्या क्या होगी 100%, 100% की बात की जाए तो गुणा में क्या करेंगे 100, 20 चौका 80, 25 चौके 100, जो संख्या है वो आएगी हमारी कितनी 25, संख्या क्या है हमारी आएगी 25, यही हो जाएगा दोस्तों अपना फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फ्रैक्शन वाला मेथड बता रहा हूं, एक्स वाला पिछले क्वेश्चन में हमने कर लिया था। जैसे हमारे पास है 20% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है 1/5, क्या बोलता है, किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर, मतलब इसका जो एक पार्ट है ये तो है, इसका एक पार्ट है और ये क्या है अपनी संख्या है, ये क्या है संख्या, मतलब इसके एक पार्ट में, इस संख्या के एक पार्ट में 20 जोड़ने पर अगर हम प्लस 20 जोड़ देते हैं तो हमारे को वो संख्या प्राप्त होती है, मतलब 5 पार्ट, संख्या क्या है 5 पार्ट, तो हमारे को कितने पार्ट प्राप्त होते हैं 5 पार्ट या 5 हिस्से प्राप्त होते हैं, क्योंकि संख्या 5 हिस्सों के बराबर है। तो अभी पार्ट को, ये जो एक पार्ट और 5 पार्ट है इनको इकट्ठा करेंगे तो ये उस साइड में जाके हो जाएगा माइनस, तो बचेगा 4 पार्ट बराबर बचेगा हमारे पास 20, 4 पार्ट बराबर है 20 के, तो एक पार्ट जो है बराबर हो जाएगा 20 बटे में 4 के। हमारे को चाहिए वैल्यू 5 पार्ट की, तो 5 पार्ट की वैल्यू जो है गुणा में कर देंगे 5, 4 एकम 4, 4 5 20, 5 5 25, तो ये आ जाएगी अपनी संख्या। दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सा मेथड करते हैं, ये भी अपनी ट्रिक है, ये भी ट्रिक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में से 10% घटाने पर वह 30 रह जाती है, उसे 40 बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो दोस्तों आप भी ट्राई कर सकते हैं निकालने की, क्या है एक संख्या, संख्या जो है कोई भी चीज जो है वो अपने आप में होती है कितनी दोस्तों 100%, कितनी होती है 100%। मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रतिशत से ही समझाना चाह रहा हूं ताकि आप किसी कंफ्यूजन में ना रहें। संख्या अपने आप में होती है 100%, इसमें से 10% घटाने पे, अगर 100 में से हम 10% घटाते हैं तो हमारे पास बचता है कितना 90%। अगर प्रतिशत में बात की जाए तो वो संख्या रही हमारे पास कितनी 90%, और ये बोल रहा है कि 30 रह जाती है, इसका मतलब 30 की जो वैल्यू है, 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है 90%, 30 की जो वैल्यू है वो 90% हमारे पास आ गई है। आगे बोलता है उसे 40 बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाना चाहिए,
हमारे को 30 की नहीं चाहिए, 40 की वैल्यू चाहिए, तो 30 की जो वैल्यू है वो 90%, तो 1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास कितना, 90% बटे में 30, और हमारे को चाहिए 40 की वैल्यू, 40 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू कम है तो 40 की हो जाएगी ज़्यादा, तो गुणा में क्या करेंगे 40, तो हमारे पास आएगा दोस्तों क्या आएगा, 90/30 गुणा में 40, 90% साथ में लगा हुआ है, तो 30 दिया 90, 40 दिया 120, इसका मतलब है 120%, अगर वो संख्या 40 बनती है तो वो हो जाती है 120%, लेकिन थी कितनी वो 100%, तो उसको बढ़ाया कितना गया, थी 100% हो गई 120%, 40 बढ़ती कितनी हो गई 120%, तो उस संख्या को कितना बढ़ाया गया 20%, यही हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन करें जरूर, और इससे भी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।